नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का प्रचार शुरू हो चुका है। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार विकास ठाकरे ने सोमवार से अपने प्रचार की शुरुआत की। इस वक्त उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में रमना मारुति परिसर में लोगों को भेंट दी। कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल भी अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लग चुके हैं। सोमवार को दक्षिण नागपुर के रमना मारुति परिसर में महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार विकास ठाकरे की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस वक्त उभरता शिवसेना के किशोर कुमेरिया ने ठाकरे के साथ रैली में हिस्सा लिया। ठाकरे ने यात्रा के रूप में जनता के समर्थन मिलने की बात कही है। आज या दक्षिण नागपुरात प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे आणि ज्याप्रमाणे जनता रस्त्यावर आहे मला वाटतं या देशातील लोकतंत्र वाचवण्याची लढाई आहे। लोकशाहीने चालणारा देश मागच्या 10 वर्षात हुकुमशाहीकडे गेला त्याचा विरोध या रस्त्यावर दिसत आहे। विकास ठाकरे ने कहा की जनता इस सरकार से उग चुकी है, अब उन्हें बदलाव चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश शंकरवार की रिपोर्ट।